लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियों के बीच उत्तराखंड में कांग्रेस को बड़ा झटका लग सकता है। सूत्रों की माने तो प्रदेश प्रवक्ता दीपक बलूटिया ने कांग्रेस से इस्तीफा दे सकते हैं। स्वर्गीय नारायण दत्त तिवारी के भतीजे दीपक बलूटिया नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा के प्रबल दावेदार थे। दीपक का परिवार देश की आजादी के समय से कांग्रेस से जुड़ा रहा है। इससे पहले दीपक यूथ कांग्रेस में जिलाध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष के पद पर रह चुके हैं। 17 साल की उम्र में कांग्रेस के सिपाही रहे दीपक ने राज्य के मुद्दों को लेकर समय समय पर आवाज बुलंद की है। सूत्रों की माने तो कांग्रेस पार्टी ने दीपक बलूटिया को वरीयता ना देते हुए इस सीट पर कांग्रेस के दूसरे नामों पर मंथन शुरू कर दिया। हालांकि पार्टी ने अभी उम्मीदवारों के नामों की घोषणा नहीं की है। ऐसे में ये तय है कि अगर दीपक पार्टी छोड़ते हैं तो नैनीताल में पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान होना तय है। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता दीपक हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, लगातार कांग्रेस को बड़े झटके लग रहे हैं क्योंकि लोकसभा चुनाव इतने नजदीक हैं और लगातार जो पाला बदलने का सिलसिला है वो देखने को मिल रहा है। उसी बीच अब माने तो दीपक बलूटिया भी कांग्रेस छोड़ सकते हैं, ऐसा सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है। तो क्या लगता है कि नैनीताल सीट पर या उत्तराखंड की जो राजनीति है इस पर क्या कुछ प्रभाव पड़ेगा? आज बता दें जिस प्रकार से लगातार कांग्रेस के जो दिग्गज नेता है वो लगातार कांग्रेस छोड़कर नजर आ रहे हैं, वही हल्द्वानी से जो दीपक बलूटिया है कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता है, वो भी कहीं ना कहीं कांग्रेस छोड़कर दूसरी पार्टी कहीं ना कहीं जाने की कमी है, जिसको लेकर अभी सूत्रों के हवाले खबर थी। इस विषय में तो दीपक बलूटिया से बात हुई, उन्होंने अभी इस बात में मोहर नहीं लगाई है। उनका साफ तौर पर कहना है अभी मेरी तरफ से कुछ बयानबाजी नहीं है, लेकिन मैं जल्द ही कांग्रेस इससे साफ तौर पर लगता है कहीं ना कहीं दीपक बलूटिया की जो बातें हैं वो कहीं ना कहीं कांग्रेस धमकीदार कर दी है, क्योंकि दीपक बलूटिया कांग्रेस के ऐसे स्तंभ जो लगातार कांग्रेस के लिए जो लगा के खड़े रहते हैं। अगर दीपक बलूटिया कांग्रेस छोड़ते हैं तो उनके साथ कम से कम 50 से 100 कांग्रेसी जो अपने पद से वो थोड़े से अगर पार्टी में जा सकते हैं। जी वही दीपक, अगर बात करें तो जिस तरीके से माना जा रहा है कि दीपक बलूटिया का जो परिवार है वो आजादी के समय से ही कांग्रेस से जुड़ा हुआ है और कांग्रेस के पक्ष में ही लगातार दीपक बलूटिया भी अपनी आवाज उठाते हुए नजर आ रहे हैं, तो कितना मुश्किल होगा उत्तराखंड में कांग्रेस के लिए लोकसभा चुनाव की दावेदारी पेश करना, क्योंकि जिस तरीके से दीपक बलूटिया का जो कार्यकाल रहा है वो काफी अच्छा रहा है। तो क्या लगता है उत्तराखंड में अगर कांग्रेस लोकसभा चुनाव लड़ती है तो किस तरीके की दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है? हाँ, बता दें जिस प्रकार से स्वर्गीय नरेंद्र तिवारी जी के भतीजे दीपक बलूटिया लगातार कांग्रेस के लिए एक स्तंभ की तरह खड़े रहते थे। वहाँ आपको पता ही होगा स्वर्गीय नरेंद्र तिवारी को विकास पुरुष भी कहा जाता था, लेकिन दीपक बलूटिया लगातार 17 साल से कांग्रेस में कई पदों पर रहे, कई कारण लगे, लेकिन अब ऐसा क्या हुआ कि दीपक बलूटिया जैसे विशिष्ट व्यक्ति को कांग्रेस छोड़ना पड़ रहा है? क्योंकि आप देखते हैं लगातार 2024 के चुनाव जैसे ही नजदीक आए वैसे ही जो कांग्रेस के बड़े बड़े दिग्गज जो नेता थे वह कहीं ना कहीं कांग्रेस छोड़कर नजर आ रहे हैं। ठीक है दीपक, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।